ओके तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। तो बच्चों लोग को यहाँ पे ध्यान दो, हमने लास्ट क्लास में बच्चों हमने IUPAC नेम्स के बारे में बच्चों हमने पढ़ाई किया था, राइट। तो बच्चों जो आपने पढ़ चुके हम वो वाला पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये देखो बच्चों, जैसे आपका ये सी वाला ऑप्शन है, आपने बच्चा अभी तक फंक्शनल ग्रुप्स और आपका एरोमेटिक ग्रीन वाला पढ़ा नहीं अभी तक, तो बच्चों वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। अब एक कॉमन कैसे, तो हम कॉमन वाला पार्ट करें, फिर हम थोड़ा सा IUPAC में जाएंगे। अब देखो जैसे ये ऑप्शन जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा है ना, सी ऑप्शन। तो बच्चों जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन करना है बच्चों, आपको सबसे पहले कार्बन काउंट करना है। क्या करोगे बच्चों? कार्बन काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, ये पांच, छह और ये सात कार्बन। अगर बच्चों सात कार्बन तो बच्चों क्या बोलेंगे हम? आप बोलेंगे हेप्टेन। क्या बच्चों बोलेंगे? हेप्टेन बोलेंगे। अब देखो टू पे, क्या बच्चों टू पे आपका एक, क्या बच्चों एक आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, वो क्या बच्चों? वो आपका है CH3। ये डॉट मतलब क्या बच्चों? ये CH3 है, टू पे एक सब्स्टिट्यूशन है। और आपका क्या देखो, टू थ्री फोर फाइव पे एक सब्स्टिट्यूशन है। बच्चों उसका नाम वैसे कैसा आएगा? बस उसका नाम आएगा 2.5, 2.5 डाइमिथाइल। क्या बच्चे बोलोगे? 2.5 डाइमिथाइल ठीक हेप्टेन। क्या बच्चे बोलोगे? 2.5 डाइमिथाइल हेप्टेन, ये इसका नाम आएगा। कोई दिक्कत बच्चों इस साल पार्ट के अंदर? आपको ऑलवेज लॉन्गेस्ट चेन ध्यान रखना है, यस ओके सर। okay? ये वाला पार्ट बच्चों आपका बन गया, ठीक है। अब बच्चों ऑप्शन डी को देखते हैं। तो डी वाला ऑप्शन बच्चों क्या, यहाँ ध्यान दो बच्चों को, अगेन आपको सबसे कार्बन काउंट करना है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पांच, छह और ये सात। साठ तो सात कार्बन है। अब बच्चा नंबरिंग करो, 1, 2 और ये 3, 4, 5, 6 और 7। तो सेवन कार्बन है। अब बच्चा मेन के बच्चे देखो बच्चों, आपका थ्री पे देखो बच्चों क्या है, थ्री थ्री पे क्या बच्चों? थ्री पे आपका क्लोरीन है, मतलब क्या बच्चों का क्लोरो आएगा। थ्री पे क्या बच्चों? थ्री पे आपका क्लोरो आएगा, राइट। यस और सर। आपका थ्री पे ब्रोमिन भी है। तो बच्चे इसका नाम कैसे, देखो देखो बी और सी में बी पहले आता है, तो बच्चा नाम क्या आएगा? आप बोलोगे थ्री ब्रोमो थ्री क्लोरो ब्रोमो, थ्री थ्री ब्रोमो क्लोरो क्लोरो थ्री क्लोरो, थ्री ब्रोमो थ्री क्लोरो हेप्टेन, हेप्टेन। बिकॉज यहाँ पे सात कार्बन है, तो यहाँ पे आपका हेप्टेन आपका नाम है। तो बच्चों ऐसे आपको यहाँ पे एग्जाम में इसका नाम करना है, ओके। अब जैसे बच्चों देखो, जैसे ई वाला ऑप्शन है, तो बच्चे ई वाला ऑप्शन में क्या बच्चों, यहाँ पे आपके एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप बच्चों यहाँ पे? बच्चों कौन बता दिया? एल्डिहाइड बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे एल्डिहाइड आपका एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन है डबल मच, तो यहाँ पे एल्डिहाइड है। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा कार्बन। तो क्या बच्चों? थ्री पे आपका क्लोरो है, तो बच्चा क्या बोलोगे? थ्री क्लोरो। तीन कार्बन है, तो मतलब कि प्रोप प्रोपेनल प्रोपेन। प्रोपेन नहीं, प्रोपेन नहीं आएगा, आल आएगा, बिकॉज यहाँ पे एल्डिहाइड है ना, तो थ्री क्लोरो यस सर, प्रोपेनॉल। प्रोपेनल प्रोपेनल। हाँ, तो क्या बच्चों का? थ्री प्रो प्रोपेनॉल इसका नाम आएगा, इसका नामकरण आ गया। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में इसका IUPAC नेम्स करने हैं। तो आपको धीरे धीरे समझ में भी आएगा, लेकिन मैं बच्चों क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा आप अच्छे से उसको रिविजन प्रॉपरली करते रहना, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। डन सर बच्चे, इस साल पार्ट में कोई दिक्कत? नो नो सर, सर। ओके नो सर। नो सर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, 2.5 डाइमिथाइलपेंटेन भी सही है, थ्री बच्चों ये भी सही है, और आपका ये भी हमारा थ्री क्लोरो प्रोपेनॉल भी सही है ना। तो बच्चों ऐसे आपको करना है। बाकी आपको जो रिंग वाला पार्ट है बच्चों, वो मैं आपको अलग से आपको कराऊंगा, ठीक है ना। आज कॉमन क्लास है बच्चों, तो कॉमर्स बच्चों करेंगे। अब देखो अभी आप बोलोगे सर कॉमर्स क्यों हो रहा है, इसका दो रीजन है। बिकॉज 11th वाले क्लास जो हमारे 12th वाले बच्चे, उनका भी JEE एग्जाम होने वाला है। कब से बच्चों होने वाला है? आप बोलोगे 27th से उनका JEE एग्जाम है। तो क्या बच्चों क्या हो रहा है, हम वहाँ पे स्पेशल क्लास ले रहे हैं, बहुत क्लास हो रही है ना, उनको रिविजन करा रहे हैं।
तो बच्चों इसलिए आपको भी अगले साल देना एग्जाम वाला पार्ट, तो इसलिए बच्चों हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, इसलिए बच्चों बोल रहा हूँ बेसिक्स आप ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए बबरे, अब देखो ये बच्चा अभी हम यहाँ पे क्या सीखने रहे हैं, बच्चों हम यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टरनरी कार्बन के बारे में सीखने वाले हैं। अगर बच्चों यहाँ पे आपका दो रूल होता है, अब दो रूल क्या होता है ध्यान समझो, अगर आपके पास सारे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब बच्चों क्या, जहां पे आपका कार्बन और हाइड्रोजन और आपके पास कोई अदर कोई फंक्शन है नहीं। अब देखो अगर कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है ना, अगर कार्बन के पास, ये बच्चों ये मैं टेक्निक है आपके टेक्स्ट बुक में अलग दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये शॉर्टकट है, कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है तो बच्चों क्या होगा, ये आपको प्राइमरी, कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होगा तो ये होगा सेकेंडरी, कार्बन पास एक हाइड्रोजन होगा तो ये होगा टर्शरी, अगर कार्बन पास कोई हाइड्रोजन नहीं तो क्या बचेगा, ये आपका होगा क्वार्टरनरी। क्या बच्चों अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे कोई फंक्शन जोड़ दिया गया है, सपोज करो मैं ऐसे ऐसे कुछ लिखा है CH3 CH2 Cl, ये लिखा गया। अभी मैं आपको सूरज को बड़ा करता हूँ, मतलब कि इसको मैं कंडेंस मतलब कि ओपन फॉर्म लिखता हूँ, तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपके पास दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका Cl है। Cl क्या बच्चों, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के पास अगर ये से डायरेक्ट जुड़ा हुआ बच्चों, तो अभी अभी आपको इसमें पूछा ये किस टाइप कार्बन हुआ, तो आप बोलोगे ये कैसा बच्चों, ये आपका है प्राइमरी कार्बोकट, ये आपका प्राइमरी है। तो बच्चों अगर आपका फंक्शनल ग्रुप जो, तो आपको अगर कार्बन के पास दो एच है तो प्राइमरी होगा, एक एच है तो सेकेंडरी होगा, और एक भी एच है तो आपका टर्शरी होगा। ये क्या बच्चों, अगर आपको कोई फंक्शनल ग्रुप है तो, अल्स नहीं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जिससे वाला पार्ट देखो क्या बच्चों, ये आपका प्राइमरी है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन तो ये आपका सेकेंडरी है, तीन हाइड्रोजन प्राइमरी, एक भी हाइड्रोजन तो ये आपका क्वार्टरनरी, अगेन प्राइमरी प्राइमरी। अब देखो इसके पास खाली एक ही एच है तो क्या बच्चों, ये आपका है टर्शरी और ये प्राइमरी। तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे समझना है। बच्चों मैं चाहता हूँ आप सारे बच्चे इसको आप प्रॉपरली ड्रॉ करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा जो कि आपको प्रॉपरली समझ आना चाहिए। बच्चों ड्रॉ करो और सारे इसको प्रॉपर लिखो, कम ऑन सारे बच्चे। यस सर। देखिए बच्चा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चा अगर आपको कोई फंक्शन जुड़ जाता तो वहां पे अलग हो जाएगा, ये ध्यान रखना, कोई फंक्शन अटैच हो जाएगा तो वहां पे अलग हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यस सर। अभी नोट कर लो इसको। देखो यहाँ पे इनका डेफिनेशन अलग दिया गया, देखो प्राइमरी कार्बन क्या होगा, जिसमें आपका वो खाली आपका एक कार्बन से अटैच होगा, एक ही कार्बन से, सेकेंडरी में दो कार्बन आएगा, टर्शरी में तीन कार्बन आएगा, और क्वार्टर में आपका चार कार्बन आ जाएगा। ओके ऐसा आपको यहाँ पे दिया गया है। यस सर। जी नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कर लिया सारे बच्चे, कर लो बच्चों सारे बच्चे के लिए। ओके अब बच्चों ये पार्ट, ओके तो बच्चों ये पार्ट तो हमारा हो गया, बहुत बढ़िया। अब बच्चा सपोज करो आपको एग्जाम में ऐसा पूछेंगे, सपोज करो ऐसा कुछ पूछेंगे CH3 CH2 CH3 H CH2। अभी आपको बोलेंगे ये आपका किस टाइप का अल्कलाइड है, अल्कलाइड मतलब क्या, क्या बताओ, ये पूरा आपका अल्काइल ग्रुप है और ये आपका हैलोजन है, तो सब क्या बोलोगे, इसमें बोलोगे अल्कलाइड। अब देखो जहां पे आपका हैलोजन होगा वहां पे आपको देखना है ब्रोमीन है, जिस कार्बन से अटैच है उसके पास दो हाइड्रोजन है, तो बच्चों क्या होगा, ये आपको होगा प्राइमरी, प्राइमरी तो प्राइमरी हुआ। सपोज करो अगर यहाँ पे ऐसा हो दिया होता,
यहाँ पे एक और एक एक मिथक जुड़ा होता है। बच्चों क्या होता, जहां पे आपका ब्रोमीन है जुड़ा वहां पे आप एक, तो क्या बच्चों ये क्या होता, ये आपको होता सेकेंडरी, सेकेंडरी होता। और बच्चों टर्शियरी का एक दूसरा एग्जाम्पल वो भी मैं आपको भी करा देता हूँ, ठीक है ना। सपोज करो मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, एक कार्बन है, कार्बन पे आपका तीन मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपको जुड़ा ब्रोमीन। अब देखो जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप है, जहां पे आपका फंक्शन ग्रुप है वहां पे आपका कार्बन है, और कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका होगा टर्श, ये आपका होगा टर्शरी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये आपको होगा। तो ऐसे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये क्या बच्चों अगर ये आपका फंक्शन ग्रुप है। तो बच्चों सपोज करो मैं आप हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं OH, अल्कोहल डाल दिया, तो भी बच्चे होगा ये आपका टर्शरी अल्कोहल होगा, क्या होगा ये आपका टर्शरी अल्कोहल अल्कोहल, होगा। इतना पर सब समझ आया बच्चों, सब सबको समझ गए बच्चों, हाँ है ना। यही ये टर्शरी है, तो सेकेंडरी बच्चों को समझ गया, दो ये आपको होगा प्राइमरी CH3 CH2 Br, ये आपका होगा प्राइमरी, बिकॉज बच्चों जहां पे हाइड्रोजन है उसके बाजू कार्बन पे आपका दो हाइड्रोजन है, तो ये आपका होगा, हो जाएगा आपका प्राइमरी। और एक बार बच्चों जहां पे आपका फंक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और उसके जस्ट पहला कार्बन, उससे बच्चों क्या बोलेंगे हम, उसे कहेंगे अल्फा कार्बन। तो बच्चों ये क्या हुआ, देखो ये ब्रोमीन है तो ये आपका अल्फा कार्बन होगा, बिकॉज ये आपका पहला कार्बन जो अटैच्ड है। दूसरे बच्चों का कार्बन क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे बीटा कार्बन। तीसरे हम बोलेंगे गामा कार्बन, ऐसे बच्चों आपका अलग अलग जाते जाएगा। तो बच्चों इस वाले पॉइंट को भी नोट कर सकते, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वाटरनरी क्वार्टरनरी बच्चा नहीं आता, क्वार्टरनरी आपका फंक्शन पे नहीं आता, खाली टर्शरी आता है और कुछ नहीं आता। अच्छा क्वेश्चन पूछा है कृष्णा। अब बच्चा मैं चाहता हूं आप है ना मुझे इसका नाम बताएंगे, मैं चाहता हूं आप मुझे इसका नाम बताएंगे, इसका नाम क्या होगा, कौन बताएगा, खासकर बीटू वाले बताइए कमान बच्चा। इसका IUPAC नेम बच्चा क्या आएगा, सर, 1,1-डाई-इथाइल इथेनॉल। नहीं आपको लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन दिखना है, OH ग्रुप भी है साथ में। अच्छा हाँ वही तो बोल रहा ना फंक्शन ग्रुप अच्छा सिंपल। तो डाई मिथाइल। विश्व बोलो कौन, क्या आंसर आएगा इसका, देखो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, लॉन्ग कार्बन चेन है, टू यस पे मिथाइल है और टू पे अल्कोहल भी है, और तीन कार्बन, तो बच क्या आएगा, टू मिथाइल तीन कार्बन प्रोप सर, प्रोपेनॉल, टू मिथाइल प्रोपेन इसका नाम होगा, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, सॉरी टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल इसका नाम होगा। आयुष बोल रहा है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपिनॉल, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपिनॉल। अच्छा आयुष गलत नहीं लग रहा आपको, अभी आप जो लिखे हो उसमें से पांच कार्बन आएगा, डी नहीं आएगा, क्या आंसर आएगा बताओ, तो गलती से टाइप हो गया। पीयूष क्या हो बच्चा, पीयूष हंस रहे हैं पीयूष, हाँ अगेन बच्चों यहाँ पे देखो सारे बच्चे, ये मैंने आपको कल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था राइट, है ना, ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो एसिड फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड एस्टर, ये कौन से ग्रुप बच्चों, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कौन कौन बताएगा,
आर सी ओ एक्स, इसका नाम क्या होता है? क्या बोलते बच्चों, बोलते इसको? अच्छा इसको जान दो, आर सी ओ एन एच टू, इससे बच्चों क्या बोलते हैं? ये कौन सा एमाइड, परमेंथन कार्बोक्सिलिक एसिड। बोले कार्बोक्सिल, एक कार्बोक्सिल कहाँ है बच्चा? बच्चा ये कार्बोक्सिल थोड़ी है, कौन सा ग्रुप है ये? सर कौन सा वाला? मुझे हाँ जहां तक एमाइड, मुझे लग रहा है परमिंदर यहाँ पे देखा होगा राइट, ठीक है आपके यस सामने। सर। हाँ जी, तो ये एसिड होगा। ये बच्चों बताओ ये कौन सा बच्चों का, ये वाला पार्ट आर साइनाइड सी ओ आर? कीटोन, कीटोन। हाँ कीटोन, क्या नाम बच्चों का आपका? कीटोन होगा सर ठीक है, कीटोन नहीं, सही है सही, कीटोन नाम होगा। फिर बच्चों इससे नाम क्या होगा, इस वाले का TRRR, इसका बच्चों नाम क्या होगा? एस्टर। एकदम से बोला, तो ये आपका स्ट्रोक बहुत बढ़िया, ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, सही है सही है, सही जा रही बात। चलिए अरे बच्चों हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जानेंगे बच्चों। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, काफी ज्यादा IMP टॉपिक है। अब देखो, अब बच्चों न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? बच्चों न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा कंपाउंड होता है जो क्या कहता है बच्चों, जो अपने लोन पेयर को, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन 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 पेयर को क्या करें बच्चों, डोनेट करेंगे। अभी आप बोलोगे सर बेस भी तो वही होता है ना, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। हाँ तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल और बेस सेम ही है, फर्क क्या बच्चों, तो ध्यान देना, अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल है क्या बच्चों, अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल है तो बच्चों कहाँ पर अटैक करेगा वो बच्चों, वो आपका अटैक करता है, मतलब कि अटैक करेगा कार्बन पे। कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन पे अटैक करेगा, लेकिन जो बेस होगा, जो आपका बेस होगा वो बच्चों कहाँ पर अटैक करेगा, वो अटैक करेगा हाइड्रो, कहाँ बच करेगा वो आप करेगा हाइड्रोजन पे, ठीक है ये बात समझना, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चा आप बच्चों क्या बोल सकते हो, हम इसको इसको हटाकर हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल बच्चों क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल द स्पीसीज विच, मतलब कि दे हैव दे क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन को देंगे, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स। क्या बच्चों बोलेंगे, हाँ मैं ऐसे बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल के बच्चों को, वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट होगा। और कहाँ पे बच्चों अटैक करेगा, वो आप ऑलवेज अटैक करेगा कहाँ बच्चों, कार्बन पे अटैक कार्बन करेगा। अब सिंपल से बात बच्चों, आपको एग्जाम में टीचर ये पूछेगा, क्या पूछ सकते हैं बच्चों, पूछ सकते हैं कि जो आपका आपको बच्चों न्यूक्लियोफाइल, जैसा पूछेंगे जैसा आपका है OH-, ये क्या बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल भी है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल भी है और ये आपका बेस भी है, ये दोनों है लेकिन काम अलग अलग है। अगर अगर जो अगर OH- ने, अगर OH- ने क्या क्या बच्चों, कार्बन पर अटैक किया तो वो बना, वो होगा न्यूक्लियोफाइल। अगर OH- ने बेस पर अटैक, मतलब कि कहाँ अटैक किया बच्चों, अगर इसने क्या अटैक किया हाइड्रोजन पे, तो ये आपका हाइड्रोजन बेस जैसे एक्ट करेगा। तो ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत लोग को इसका पता नहीं होता, ठीक है ना, बहुत लोग को इसके बारे में पता नहीं होता। सर, रिपीट करना। न्यूक्लियोफाइल कितने बच्चों समझ में आए बच्चों, हैंड रेस करो ये पार्ट। ओके पीयूष बेटा आप थोड़ा बता पाओगे मुझे, बोल पाओगे, प्लीज बोलिए जरा, बोल लो बच्चा। ओके नहीं बोलना ठीक है। अब देखो आपको ये समझना बच्चों, पहले जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल बच्चों क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी बच्चों का, वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ऑलवेज, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात बच्चों, आप ये बोलोगे एग्जांपल, एग्जांपल के बच्चों OH-, ये क्या बच्चों, इसके ये न्यूक्लियोफाइल है क्यों बच्चों, बिकॉज उसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, उससे इलेक्ट्रॉन लेके रखा ना, मतलब उसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन है,
हाँ या ना? अभी मान के यस चलो आपने किसे किताब लिया, तो आपने किताब तो क्या हुआ, आपका एक एक्स्ट्रा किताब आ गया, तो आपके पास किताब ज्यादा है तो आप डोनेट कर पाओगे, है ना? तो बच क्या होता है, ये जो ओएच में से ये आपका न्यूक्लियोफाइल भी है, ये आपका बेस भी है। बच्चों न्यूक्लियोफाइल कब बनेगा, अगर ये कार्बन पर टकरे, अगर ये कार्बन पर टकरे तो क्या बचेगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर एच पर टकर रहा है, अगर आपका एच प्लस को ले रहा है, तो ये आपका बेस होगा, ये समझ में ठीक है ना? अब देखो न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के यस होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रल, एक होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। अब देखो जैसे हम बात करते हैं अमोनिया और अमाइन, अमोनिया क्या बच्चों, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए बचेगा, इसके से बच्चों इसके पास आपके पास लोन पेयर है, तो क्या बचेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिसेट, मतलब कि अमोनिया नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा। फिर हम बात करते हैं वाटर, अल्कोहल, इथर, ये भी क्या बच्चों, ये भी आपके न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन बच्चों कौन देगा, आप बोलोगे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो क्या बच्चों का ये आपके इलेक्ट्रॉन को देगा। कहाँ पर बच्चों, कार्बन पे देगा, ये ध्यान रखना कार्बन देगा। अगे बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड, थायो, लेके बच्चों ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। बेसिकली ये आपका ज्यादा एग्जाम पूछते नहीं है, पर ध्यान देना क्या बच्चों का, इसके न्यूक्लियोफाइल बच्चों क्या लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे, तो बच्चों का ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सेंटर है। फिर हम बात करते हैं हेलोजन, हेलोजन में क्या बच्चों, ये भी आपके सारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन दे बच्चों, एक्स माइनस देगा, क्यों बच्चों, तो एक्स माइनस क्या, इसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन दे दे सकता है। दूसरा बच्चों क्या है बच्चों आएगा, हाइड्रोक्साइड आयन, जो दो की ओएच माइनस, अल्कोऑक्साइड एंड कार्बोक्सी। बच्चों देखो ये तो ना आईएमपी है, ये तो ना आपके आईएमपी है, ये क्या बच्चों का, इसमें आपका ओ माइनस आपके इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन बच्चों देगा ओ माइनस इलेक्ट्रॉन देगा। फिर आपका था साइनाइड, क्या बच्चों अगेन क्या बच्चों, आप बोलोगे एन माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बच्चों क्या, ये आपका न्यूक्लियोफाइल्स है। क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, प्रॉपरली आया समझ में? सर तो सारे बच्चे देखो मैं बोलूंगा उसको नोट कर, देखो नेगेटिव चार्ज जितने भी है आप उसको नोटडाउन कीजिए, और न्यूट्रल में ये दोनों को नोटडाउन कीजिए, कौन सा बच्चों, ये पहला वॉट अमोनिया, ये दोनों को नोटडाउन कीजिए, बस और कुछ नहीं, ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल है। अगेन बच्चों देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे बेस है, सारे के सारे, ये सारे के सारे बेस होते हैं, तो प्लीज समझो और नोट डाउन करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फ्यूचर पढ़ाई करो और फिर आपको पता नहीं चले इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो प्लीज समझो इसको। जिन जिन को समझ आए प्लीज हैंड रेज करेंगे, जिन जिन को समझ आए प्लीज हैंड रेज करेंगे। ओके बाकी से कुछ समझ में नहीं आया? ओके दिशा को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सही बहुत सही। ओके ओके आई होप अभी आपको ये पार्ट समझ में आ रहा हो, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां से एक जेडब्ल्यू क्वेश्चन आता है, क्या बच्चों यहाँ पे आपको जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बच्चों क्या था वो बच्चों ध्यान दो, आपको बोलेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच हैज हायर बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो बच्चों ध्यान रखना दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियो फिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। अब बच्चा बेस क्या आता है बच्चों ध्यान समझो, बेस आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, न्यूक्लियोफिलिस क्या होगा वो भी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपके सारे न्यूक्लियोफाइल्स है, एच माइनस, सी एच थ्री माइनस, एन एच टू माइनस, आर ओ माइनस और आपका ओ एच माइनस, है ना? तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे इन सब सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या बच्चों, एच माइनस आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्यों बच्चों, बिकॉज इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट नहीं, आपके इलेक्ट्रॉन तुरंत दे देगा सामने वाले को, तो ये क्या बच्चों, ये आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन सा बच्चों, ये वाला पार्ट, इसको बच्चों करो,
सरोली, यही आसान है। हाँ बस इतना ही है, इतना ही पार्ट आपको समझना है। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी। अगेन बच्चों यहां से आपका जेडब्ल्यू में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी, ये आपका आईएमपी पार्ट है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है ना? देखो यस सर। जब दो लिखे, देखो बेसिस बढ़ रहा तो क्या हो रहा है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी, आपका ये भी आपका बढ़ रहा है। ठीक है समझो अच्छे से। अभी जितना पॉइंट बोल रहा हूँ उतना पॉइंट को नोट डाउन करो, बाद में आपको हर एक पार्ट समझ में आएगा, डरो मत, सब आपको समझ में आने वाला है। अच्छा ये बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब पता है ना क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? देखो यहाँ पर लिखा ना इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा है, इसका मतलब बच्चों क्या होगा कौन बोलेगा? अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूं, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मेरे पास है, मेरे पास क्या बच्चों, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों बताओ? ऑक्सीजन 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 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ऑक्सीजन बच्चों? अब सिंपल से बताए ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब क्यों बच्चों, क्या इसका रीजन क्या है? बिकॉज इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, मतलब अपने पास रखेगा, तो क्या बच्चों ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेम बच्चों अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन में क्या बच्चों आप बोलोगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बच्चों क्या होगा आप बोलोगे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्यों बच्चों? क्योंकि उसका टेंडेंसी है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने का, तो ये आप क्या बोलोगे फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का बॉन्ड बनाता हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन या फ्लोरीन का बॉन्ड बनाऊंगा तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लोरिन के किस तरफ पास, जाएगा? तो क्या बच्चों क्या होगा, फ्लोरिन के पास। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो बच्चों क्या आएगा फ्लोरिन बनेगा एफ नेगेटिव और ये बनेगा एच पॉजिटिव। पॉजिटिव बच्चों आया समझ में पार्ट? आया ना? तो यस सर। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव काम आता है। सेम बच्चों अगर हम बात करते हैं वाटर की बात करते हैं, ये आपका वाटर है, ये एच है और ये एच है, तो आप ये बोलोगे ऑक्सीजन भाई साहब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बच्चों क्या होगा आप बोलोगे इसके अवसर क्या पार्शियल नेगेटिव और नेगेटिव, क्यों दो नेगेटिव बच्चों क्यों आ रहा है? बिकॉज इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो क्या होगा ये आपका होगा पार्शियल पॉजिटिव और ये होगा पार्शियल पॉजिटिव, क्यों होगा आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका इसकी तरफ जा रहा है, तो जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन जाते बच्चों वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। इतना समझ में बच्चों आया, समझ में ये पार्ट आया ना? यस ओके सर। और बच्चा ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड ये कहता है अगर मैं पीरियोडिक टेबल में अगर मैं आपका लेफ्ट से राइट साइड जाऊं तो क्या बच्चों का आपका वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, लेफ्ट साइड में आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और आपका टॉप से बॉटम में क्या बचेगा वहां पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, ये आपका जनरल ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आई होप आप सबको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ, अगेन बहुत स्लो और डिटेल पढ़ा रहा हूँ। ओके चलिए अब देखो अब बच्चों ये क्या है, ये सारे क्या बच्चों ये सारे आपके हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। अब देखो अब सारे बच्चे देखो यहाँ पे लिखा, देखो लिखा इलेक्ट्रोफाइल्स, यहाँ पे ध्यान दो इलेक्ट्रोफाइल्स आर द रीएजेंट्स दैट अटैच टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिसेंटर। अब देखो वो क्या बच्चों वो आपका इलेक्ट्रॉन रिस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब बच्चों क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल बच्चों क्या होगा, क्यों इलेक्ट्रोफाइल बच्चों क्या होगा आप बोलोगे, या आप ये बोलोगे क्या बच्चों ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कमी है इनके पास, कौन बच्चों इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या बच्चों लिखो यहाँ पे अपने नोटबुक लिखो, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो दूसरा बच्चों क्या बोला यहाँ पे ध्यान दो, दे आर आइदर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल एटम। देखो क्या लिखा दो,
दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, मतलब इलेक्ट्रॉन कमी है। और बच्चों दो क्या लिखा, देखो जितने भी आपके लूस एसिड होते हैं, जितने भी आपके लूस है ओके बच्चों, वो सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स, क्यों बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जो आपका लूस एसिड है ओके बच्चों, वो आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। तो मैं बच्चों अगेन, ये सारे पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं पार्ट, ये सारा बेस है। अगर समझ में नहीं तो प्लीज पूछ लिया करो, लेकिन वापस बताऊंगा, डोंट वरी। ऐसा किसी को समझना मत कि मैं टाइम जैसे मत समझो, समझना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफाइल क्या बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, जितने भी आपके लूज ऐसे वो सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। देखो यहाँ पे देखो लिखा है, देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक एसेंशियल टू, ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों बच्चों, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन वहां पे आके भर जाते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। इतना प्रश्न नया बच्चों। अब देखो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है, ये सारा इसके एग्जाम्पल्स है। कौन सा बच्चों, देखो AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरोन ट्राइफाइड, ये भी आपका, ये सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स है। परिक्लोरीड, ये भी आपके सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। देखो डाइक्लोरोकार्बीन, कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चों देखो ये सर क्या, ये आपका नोटिकल, ये आपका IMP पार्ट है, ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। डाइक्लोरोकार्बीन इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। कौन सा बच्चों इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, आप बोलोगे कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अभी इलेक्ट्रोफाइल बच्चों देखो, जैसे आपका AlCl3, इसमें बच्चों को इलेक्ट्रॉन किसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, तो बोलोगे मेटल पास इलेक्ट्रॉन कमी है। फिर आपका आ रहा है कार्बो कटायन, मतलब क्या बच्चों, कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, किसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है बच्चों, आप बोलोगे सी पॉजिटिव पास। फिर आता है प्रोटोन, क्या बच्चों एच प्लस है, किसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, आप बोलोगे एच प्लस के इलेक्ट्रॉन की कमी है। फिर आपका आ रहा है अल्काइल हैलाइड, मतलब क्या बच्चों आपका आर पॉजिटिव, देखो यहाँ बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे ये बच्चों ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जिसके पास ये पॉजिटिव साइन दिखाई दे वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। देखो ओ पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, एन नेगेटिव, ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल, ये सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। होता क्या बच्चों, होता क्या है ना कि बच्चों के ना ये जो इस वाले पार्ट में ना, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, तो बच्चों ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई भी हेलोजन है, अगर हेलोजन के पास जैसे मान के चलो एफ है, एफ प्लस हुआ या सीएल प्लस हो, क्या बच्चों ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अगर एफ माइनस है या सीएल माइनस, तो बच्चों क्या हुआ, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये ध्यान रखना। तो जो लिखा है यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन दैट इज NO2 पॉजिटिव, ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। बच्चों इसको नोट करो अच्छे से, इस सारे पार्ट का बच्चों नोट करो, इंपॉर्टेंट है। कहाँ से सर, बच्चों, ये पूरे पार्ट को आपको नोट करना है, बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे पार्ट को आपको नोट करना है। सारे बच्चे इन सबको प्रॉपरली नोट करेंगे, सारे बच्चे डन। बच्चों हो रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों के पार्ट, सारे बच्चे यस सर, सर कर रहे हैं। जी करो बच्चों, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चों को भी ऑर्गेनिक में कोई बेसिक में डाउट हो रहा है, अभी जैसे मान के चलो किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा सर ये बॉन्ड ऐसे क्यों ब्रेक हुआ, ऐसे क्यों नहीं ब्रेक हुआ, वो भी मुझे पूछ सकते हैं, पर पूछना प्लीज, शर्माना मत, प्लीज पूछना, बता दूंगा। ऐसा मैं सच बता रहा भाई, रिपीट, कौन सा पार्ट रिपीट करूं, चैट में लिख दो, कोई बात नहीं चैट में लिख दो, कौन सा पार्ट रिपीट करूं, सारे, थोड़ा वेट करो फिर। अगर सब रिपीट करें थोड़ा वेट करो, तो यहाँ पे नहीं, ये वाला कौन सा वाला, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, देखो अगेन बच्चा बोलो ध्यान समझो, इलेक्ट्रोफाइल ऐसा एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है,
न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन कमी है। मतलब क्या बच्चों, वो क्या करेगा, वो आपका सामने से इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल्स आर, यहां पे लिखता हूं, इलेक्ट्रो फाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग एलिमेंट्स। वो इलेक्ट्रॉन को सामने से ले ले रहा है, कमी है तभी तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना। यहाँ पे अच्छे से देता हूँ, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल्स ई पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग एलिमेंट्स। ये इलेक्ट्रॉन प्यार करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन दिखे वो उससे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्यों बच्चों, इलेक्ट्रॉन कमी है, इलेक्ट्रॉन कमी इसलिए आपका इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। किसी मॉलिक्यूल में जैसे अगर मैं बात करता हूँ AlCl3, क्या बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड वाला पार्ट है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो सिंपल सी बात है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन कमी होगा, किसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम। क्या बच्चों, एल्यूमिनियम पास इलेक्ट्रॉन कमी, क्यों, सर कैसे पता चला, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं आपको बोलता हूँ AlCl3, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, उसके बाद आउटमोस्ट तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, तीन क्लोरीन आ गए, तो क्या बचा, उसका वैलेंसी 6 हो गया, लेकिन वैलेंसी 8 होना चाहिए तभी स्टेबल होगा। तो क्या बचेगा, ये आपका क्या, ये आपका दो इलेक्ट्रॉन को और लेने, ये इसके पास दो इलेक्ट्रॉन को लेने की स्टेबिलिटी है, तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। सेम बच्चों, अगर आपको दिखाया दे कार्बन पॉजिटिव, तो ये भी क्या, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। जिसके पास पॉजिटिव साइन दिखाई दे वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। और आपका दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, जो भी, जो आपका SnCl4 है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल। क्यों बच्चों, Sn के पास, Zn के पास क्या बच्चों, उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल खाली है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन दे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या वो भी आपका एक इलेक्ट्रोफाइल जैसे ऐड कर सकता है। तो ये ध्यान रखना, देखिए बच्चों ये सारे आपके न्यूट्रल एलिमेंट्स, ये सारे न्यूट्रल्स हैं और कुछ नहीं। डन सारे बच्चे, ओके। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, वापस बदलूंगा, डोंट वरी वापस बदलूंगा। अब देखो यहाँ पे तो बच्चों क्वेश्चन दिखा है, क्वेश्चन बच्चों का ध्यान दो, यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन, मतलब हमको क्या बच्चों, हमें ये एरो को यूज करना है, हमें ये इसे बच्चों क्या बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं फिश हेड एरो। क्या बोलते बच्चों, फिश हेड एरो बोलते हैं, काटा ऐसे नहीं, काटा नहीं, काटा जो मछली काटने, तो काटा होता है, फिश मछली मछली खा जाते हैं तो निकलता नहीं। हेड एरो, हाँ फिश हेड एरो इसे बोलते हैं। अब देखो, ऐसे अब यहाँ पे देखो हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्या करना बच्चों, हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका पहले कार्बन 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे CH3 है, ऐसा आपका बॉन्ड, ठीक है ना, ऐसा बॉन्ड है, तो आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। अब देखो कार्बन और सल्फर में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों, कार्बन और सल्फर में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ठीक ना। फिर हम बात करते हैं CH3, और यहाँ पे आपका है CN। अब देखो सीन ग्रुप पे देखो, सीन के पास यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड एन है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कार, यहाँ पे सारा हाइड्रोजन है बच्चों, मैं यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ। अब देखो दोनों पास कार्बन है, फंस गए, कार्बन हाइड्रोजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था बोलोगे, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो क्या बचेगा, बॉन्ड ऐसे देखोगे, बॉन्ड आप कैसे देखोगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं CH3 कॉपर, ये क्या बच्चों, कॉपर है बच्चा, हमें ध्यान रखना कार्बन और मेटल में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या बच्चों ध्यान रखना, कार्बन और मेटल में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बच्चों क्या होगा, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ बच्चों, जिस साइड बॉन्ड ब्रेक, तो क्या बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव,
यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। जिस साइड एरो ब्रेक हो जाएगा वहां पे आपको नेगेटिव क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आई होप अभी आपको समझ आया बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? सिंपल है। यस सर, यस सर। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पे आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। देखो यहाँ पे दिया नहीं, ठीक है। अब देखो सबको ये पार्ट समझ आया बच्चों, ये पार्ट कैसे किया हमने, आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है। अगेन बच्चों ध्यान देना, देखो अगर मैं कार्बन और मेटल की बात करूं, कोई मेटल की बात करूं, तो क्या बच्चों का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच्चों का अपना कार्बन से इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, तो यहां पे आएगा नेगेटिव और यहां पे आएगा पॉजिटिव। जैसे मैं बात करता हूँ HCl, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां पे आएगा नेगेटिव और यहां पे आएगा पॉजिटिव। सिंपल। जैसे बोलता हूँ NaOH, तो क्या होगा, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, क्योंकि क्या बच्चों ये आपका मेटल है और ये आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाएगा, होगा। ऐसे आपको समझना है। आई होप आपको समझ में आ रहा मैं क्या बता, राइट? डन। यस यस सर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आपको बताना है क्या वो एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, आपको बताना है। पहला क्या बच्चों, पहला आपका है HS-, ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, बताओ ये क्या है। न्यूक्लियोफाइल तो क्या बच्चों ये आपका होगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, क्यों बच्चों न्यूक्लियोफाइल होगा, बिकॉज इट पास नेगेटिव चार्ज है, तो नहीं। ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। दूसरे तो बच्चों फिर आपको बोला BF3, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बच्चों। तो क्या बच्चों देखो ध्यान रखना, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों बच्चों, ये आपका लुइस एसिड है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हुआ। थर्ड बच्चों ध्यान दो, C2H5O-, क्या बच्चों इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, बताओ, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल। चौथा ऑप्शन देखो बच्चों, क्या बच्चों नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पर है, और इसके बाद आपके पास 3 मिथाइल है, तो क्या ये आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बच्चों, बोलो, रॉन्ग हो चलेगा पर बोलो, इलेक्ट्रोफाइल नहीं बच्चा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो इसके लोन पर है ना, इसके से लोन पर है, तो लोन पर दे सकता है उसके वो, तो क्या होगा, ये आपका होगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल समझो, अगेन जो भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, अगर नाइट्रोजन पास लोन पर है तो वो न्यूक्लियोफाइल ही हो बनेगा, ठीक है, ये हो गया। फिफ्थ तला देखो बच्चों, क्लोरीन पॉजिटिव, क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल 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 होगा, ठीक है। दूसरा छठा ऑप्शन देखो बच्चों, क्या दिखा, देखो CH3 C+ डबल बॉन्ड हो, क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बच्चों, कार्बन क्या रहा है, कार्बन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल एकदम से बोला। फिर तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों H2N- और इसके पास लोन पेयर भी, क्या होगा ये पार्ट, न्यूक्लियोफाइल एच टू एन, तो क्या होगा ये आपका होगा न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। फिर आपका एट दो बच्चों, NO2+, क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल हो गया बात, इतना तो है सिंपल, ये सारा इलेक्ट्रोफाइल खत्म हो गया, ठीक है। तो बच्चों आज हमने बहुत कम पढ़ा, पर अगेन बच्चों देखो काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे आपको अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कुछ कुछ ध्यान दो, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल सेंटर फॉर फोर कंपाउंड। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या बच्चों होता है, आप बोलोगे जिसपे आपका पॉजिटिव साइन होना चाहिए। अब मैं आपको ये कंपाउंड बना, ध्यान समझो, ये आपका CH3 है, सी डबल बॉन्ड ओ एच है। अब बच्चों यहां पे देखो
कहाँ बच्चों डबल बॉन्ड है? कार्बोक्सी में डबल बॉन्ड है। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? बच्चों कार्बन ऑक्सीजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन ऑक्सीजन। तो क्या होगा? आप बोलोगे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? ये यस बनेगा ओ नेगेटिव और ये बनेगा सी पॉजिटिव। सर। क्या बच्चों बनेगा? ये आपका बनेगा डेल्टा नेगेटिव, ये आपका होगा डेल्टा पॉजिटिव। क्या बच्चों? ये आपका बना, ये क्या होगा? ये आपका होगा इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, बिकॉज यहाँ पे सी पॉजिटिव बना। दूसरा देखो CH3 C3N, तो बच्चों क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा तो क्या होगा? ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, तो क्या हुआ? ये आपका बना इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। फिर यस सर। क्या होता है? यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे आयोडीन है। आयोडीन आपका हेलोजन होता है, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक यस करेगा सर। तो क्या बनेगा? ये बन नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, तो क्या होगा? कार्बन ये होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, कार्बन कार्बोकोटेन सेंटर। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम पे समझना है, यस सर। समझे बच्चों? ऐसे आपको करना है। तो बच्चों ये बच्चा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज सारे बच्चे अच्छे समझना और कोई भी दिक्कत हो मुझे पूछना, मैं आपको बच्चा प्रॉपरली बताऊंगा इसको, ठीक है? मैं आपको प्रॉपरली इसके बारे में बताऊंगा। बच्चों जो सर टेबल है, टेबल बच्चा अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है ना? तो बच्चों मैं अभी आपको रिविजन करता हूँ। बच्चों हमने क्या क्या पढ़ाई किया ध्यान समझना। पहले बच्चों हमने पढ़ाई किया था आपका क्या बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई किया। अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन तो प्राइमरी होगा, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन तो सेकेंडरी होगा, 1 हाइड्रोजन टर्शियरी होगा, और आपका कोई भी हाइड्रोजन तो आपका टर्शियरी होगा, क्वार्टनरी होगा। क्या बच्चों? अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन है तो इतना हो गया। फिर बच्चों हमने क्या पढ़ा? फिर हमने बच्चा आपका, फिर मैं आपको ये बताया आपको ऑर्डर के बारे में बताया था, ये तो सिंपल था। फिर मैंने आपको बताया आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो मैं क्या बोला बच्चों? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों? होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट होता है, जिसके पास लोन पेयर है या जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। उसके मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स बच्चों हमने यहाँ पे किए, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स भी किए है ना, एग्जाम्पल्स। यस तो बच्चों में क्या बोला? अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी डायडेबल जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ज्यादा आपका बेसिक होगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना सिखाया, जहां पे आपका जो भी अगर मान के कोई भी एलिमेंट है बॉन्ड बनाए, आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहां से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, उससे उस पर नेगेटिव उससे पॉजिटिव आएगा। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया। क्या बच्चों? ये आर दे आर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेता है सामने से, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कमी है, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। एग्जाम्पल के बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, डाइक्लोरोकार्बिन, कौन सा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट? बच्चों कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। फिर आपका ये सारे आपके लूसेस जैसे AHCl3, FeCl3, BF3, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हुआ। कौन सा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट? बच्चों मेटल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ। फिर आपका बना कार्बोकोटेन, मतलब कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज। फिर आपका प्रोटॉन, फिर आपका हेलोजन पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव एंड एन पॉजिटिव, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों वो आपका इलेक्ट्रोफाइल्स है, सिंपल सी बात। तो बच्चों ये पार्ट हमने प्रॉपरली पढ़ा क्या, इसको बच्चों प्लीज अच्छे से रिविजन करना, ज्यादा नहीं बच्चों कम है, अच्छे से रिविजन करना, ठीक यस है? सर। यस सर। अगर अभी भी किसी बच्चों को डाउट हो प्लीज पूछ सकते हैं मुझे। ये काम करो आप थोड़ा सा रिविजन करो, रिविजन करने बाद प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आएगा। अगेन मैं देख रहा हूँ कि आप सब बिना IUPSM को बार बार रिविजन कीजिए, आप नहीं कर रहे हो, करो तब जाके समझ में आएगा आपको, ठीक है? यस सर। जी बच्चा मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव गुड नाइट। ओके।